अपने सामान की हिफाजत के साथ साथ अपने ख्वातीन की भी हिफाजत करें। उनके गले में जो हार होता है या उनके हाथ में जो चूड़ियाँ वगैरह होती हैं सोने की होती हैं, तो ऐसे ही होते। मुझे याद है कि दिल्ली जाते हुए हमने देखा कि एक औरत की चैन जो है उसके गले से उड़ा ली गई। तो हम कहते हैं ख्वातीन इस्लाम से कि वो जेवरात के मुकामात को छुपा कर रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख्वातीन बुर्का तो पहनती हैं, तो जहाँ तक हो सके जीनत के मकामात को छुपाने से माशाल्लाह हमारे औरतों के जेवरात की फरत भी हो सकती है। इसी तरीके से अपने बच्चों की भी हिफाजत करें। ट्रेन में जो आता है वो सब ले कर देना, उससे बदहजमी होती है और लूज मोशन वगैरह भी शुरू हो जाते हैं। और जो है आजकल कोरोना वायरस का दौरा है, तो जहाँ तक हो सके ट्रेन में आने वाली चीज़ें ना ख़रीदें और ना बच्चों को दें। इसी तरीके से बच्चे कभी चलती ट्रेन में या बस में बाहर झांकते रहते हैं, लिहाजा उसकी भी मुकम्मल तौर पर हिफाजत करें। और उसी तरीके से अगर उनको ख़ज़ा हाजत की ज़रूरत वगैरह हो तो हिफाजत से ले जाएं, हिफाजत से ले आएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, लिहाजा अपने बीवी बच्चों की मुकम्मल तौर पर हिफाजत करें, अपने मोबाइल की और अपने सामान की भी मुकम्मल तौर पर हिफाजत करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।